कॉमन सिट एलोकेशन सिस्टम पीजी दैट इज सीसेस पीजी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल जल्दी ओपन होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लॉ फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देयर इज ओनली वन वे रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए, वो है सीसेस पीजी पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना। अगर आपने पेपर एग्जाम दे दिया है सीयूईटी का, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं एलएलबी एडमिशन के लिए। सो इट इज़ वेरी कंपलसरी कि यू स्टे अलर्ट, एंड जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर जाके आप चेकआउट करते रहिए, क्योंकि आज से लेकर के एक हफ्ते के अंदर कभी भी सीसेस पीजी पोर्टल ओपन हो सकते हैं। सेकेंडली, इट इज़ कंपलसरी कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लें, स्पेशली अगर आपका कोई कोटा है, फॉर एग्जाम्पल EWS कोटा, OBC, SC, ST, तो आप अपने जितने भी कोटाज हैं उनके डॉक्यूमेंट भी रेडी करके रख लें। EWS के लिए स्पेशली आपका जो कोटा है ये इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए डॉक्यूमेंट। अगर ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डॉक्यूमेंट होता आपके पास तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इन्श्योर कि आपके पास इसी फाइनेंशियल ईयर के सभी डॉक्यूमेंट्स हों। साथ ही साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके उसकी आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में होना चाहिए। फर्दर, जैसे सीसेस पीजी पोर्टल ओपन होता है, मैं काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो भी बना दूंगा जिसमें सभी डिटेल वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे कैसे अपलोड करने हैं उसका वीडियो भी मैं लिंक में लगा दूंगा और वीडियो में कंटिन्यूसली अपलोड करते रहूंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स फॉर काउंसलिंग ऑफ DU LLB 2024। थैंक यू।